हाय फ्रेंड्स, मैं हुसैन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूखी मीठी सेवियाँ। ये बहुत ही पॉपुलर ईद पर बनाई जाने वाली एक डेजर्ट रेसिपी है और खाने में लाजवाब लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, और इसमें मैंने 1/3 कप घी ऐड कर लिया है। 1/2 कप मैंने मिक्स्ड नट्स लिए थे, इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, चारोली और किशमिश इस्तेमाल किया है। आपके पास जो नट्स अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने अखरोट भी ऐड किया था। और इसको लो फ्लेम पर मैंने अभी 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। फ्लेम लो होना बहुत ज़रूरी है, वरना किशमिश बहुत तेज़ी से जलने लगेगी इसके अंदर। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। जैसे ही किशमिश फूली फूली दिखाई देने लगे तो उसमें आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए, अभी बाकी बचे हुए एक देसी घी में मैंने यहाँ पर सेवियाँ ऐड कर ली है। ये वही रोस्टेड और थिन वाली सेवियाँ हैं जो हम आमतौर पर शीर खुरमा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने लिया है टोटल 150 ग्राम। 200 ग्राम का पैकेट था, उसमें से थोड़ा मैंने बचा लिया है और बाकी का मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। फ्लेम आपने लो ही रखना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से सिकाई हो जाए इसकी। अगर आपने अनरोस्टेड वाली ली हैं तो ये बहुत ज़्यादा वाइट होती हैं, तो उसको आपने थोड़े देर ज़्यादा रोस्ट कर लेना है। तो ये ऑलरेडी रोस्टेड थी, मैंने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लो मीडियम फ्लेम पर रोस्ट किया था। अगर ये कहीं से बहुत ज़्यादा आपको मैनेज करने के लिए मुश्किल हो रहा है तो इसको प्रेस करके थोड़ा सा आप तोड़ ले, या फिर तोड़कर ही कढ़ाई में ऐड कर ले ताकि आप इसको अच्छी तरह से भुनाई कर सके हर जगह से। यहाँ देखिए, इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। इसको ऊपर नीचे कर ले। अब यहाँ पर मैंने मलाई वाला दूध इस्तेमाल किया है, तो मैंने टोटल 1/2 कप दूध ऐड किया था। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रख लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले, क्योंकि ये ड्राई है तो थोड़ा सा मिक्स करने के लिए दिक्कत होती है। आपने इसको बस मुसलसल चलाते रहना है ताकि सारा दूध जो है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। फ्लेम बिल्कुल लो रखें। अगर हाई फ्लेम पर आप कुक करेंगे तो दूध बहुत तेज़ी से बॉईल होकर बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, सेवियों ने अपने अंदर दूध जो है ये एब्जॉर्ब कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें दूध दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मलाई के थोड़े चीटे दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं। तो यहाँ पर मैंने अब चीनी ऐड कर ली है। चीनी मैंने ली थी 1/3 कप, यानी कि 6 टेबल स्पून्स। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि चीनी इसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाए, और फिर हम इसको कवर करके दम कर लेंगे ताकि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए और सेवियाँ थोड़ी सी कुक होकर इसमें फूल जाएँ। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ अभी। जब तक वो दम हो रहा है, यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी ले लिया है। आप चाहे तो दूध भी ले सकते हैं। और फिर इसके अंदर कुछ कतरे मैंने ऑरेंज फूड कलर का ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। केवरा एसेंस मैंने ऐड किया था 2 से 3 बूंद। इससे बहुत ही ऑथेंटिक सेवई जो जैसे बनाई जाती है वैसा फ्लेवर आता है। आप एक बार ऐड करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सेवियाँ भी हम चेक कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट ऊपर हो गए, आप देख सकते हैं नीचे घी जो है वो अच्छे से इसके अंदर बॉईल हो रहा है। तो इसको एक बार मैंने ऊपर नीचे करके मिक्स कर लिया है। और अब जो हमने ये पानी बनाया था केवरा एसेंस और फूड कलर ऐड करके, ये मैंने ऐड कर लिया है। सेवियाँ यहाँ पर थोड़ी सी रूखी ही दिखाई दे रही थी, तो ये ऐड करने से ये थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाएंगी। अगर आप ये ऐड नहीं करना चाहते हैं फूड कलर, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का या दूध का छींटा दे दें ताकि ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि कलर उसमें मिक्स हो जाए। और फिर उसको कवर करके हम दम कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए, 4 मिनट के बाद अच्छी तरह से दम आ गया है इसमें, और आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी मॉइस्ट दिखाई देने लगी है। एक बार इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है 1/4 छोटा चम्मच, और फिर जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किया था वो सारा हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और इसको बस कवर करके 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दें। 1 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं सेवियाँ अभी बहुत एकदम ड्राई नज़र नहीं आ रही है, अच्छी तरह से मॉइस्ट भी हो गई हैं और खिली खिली हैं बिल्कुल। फ्लेम ऑफ कर लिया है और कवर करके इसको उसी तरह छोड़ दें। तो बस रेडी हो गई हैं सूखी मीठी सेवियाँ। खाने में तो लाजवाब हैं, जितना ड्राई फ्रूट्स नट्स आप ऐड करेंगे उतनी ही टेस्टी बन के तैयार होगी। आप चाहें तो आप इसके अंदर खोया या मावा ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर। और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।